बड़ी खबर, कलेक्टर बंगले पर भाजपा विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठे। धरने का कारण विधायक कलेक्टर बंगले के अंदर मौजूद मगर दलित होने के कारण नहीं कलेक्टर देते तवज्जो। सुरक्षा गार्डों ने कहा नहीं है कलेक्टर बंगले में। सिविल लाइन पुलिस मौके पर। राहुल रैकवार, बुंदेली, न्यूज छतरपुर। बैठ गए क्या है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था। मेरे साथ में बछौन के मंडल अध्यक्ष मेरी पार्टी के मेरे साथ में है और हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए 4 बजे उनके ऑफिस में गए। 4 बजे वो ऑफिस में नहीं मिले। 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 5 बजे जैसे वो आए तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी साहब की VC थी तो उसमें चले गए और मैंने पूछा साहब मिलना है तो बोले कि बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे, वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधे बंगला में आ गए। बंगले के अंदर आ गए, हम यहाँ पे मिलने के लिए आए कि भाई आपने ही बोला था कि आप बैठो, हम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया। संतरी से पूछा, मैंने कहा कि भाई कलेक्टर साहब से मिलना है आप। उनने फ़ोन लगाया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने कह दिया कि वो मैं घर पर नहीं हूँ, बता दो। और अंदर से RTO साहब निकल के आए मिल करके। RTO साहब से मैंने पूछा कलेक्टर साहब कहाँ है, बोले अंदर हैं, घर के अंदर हैं, अभी मिल के आ रहा हूँ। तो आप यहाँ बैठ गए धरने पर? तो अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र, एक दलित नेता, एक ऐसा विधायक जो अंतिम छोर के इलाके से आता है, उस आदमी की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं है, वो आकर के मुलाकात नहीं कर सकते। विधायक जी, आप कांग्रेस के शासन में भी जो कलेक्टर थे, आप उस टाइम पे भी धरने पर बैठ गए थे चैम्बर के बाहर, और भाजपा के शासन में आपके शासन में भी ये धरने पर बैठे, मतलब ये उपेक्षा करते हैं विधायकों की? आप देख लीजिए उपेक्षा न की होती। अधिकारियों के साथ में सभी अधिकारियों से आप पूछ रहे हैं, कर्मचारियों से उनका व्यवहार कैसा है, क्या संतुष्ट है, इनके प्रति क्या संतुष्टता दिखाई है। आप तो देखिए सामने ही देखिए रिजल्ट कैसा है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गया कि भाई जब 3 लाख जनता का जनप्रतिनिधि होने वाला व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका फोन नहीं उठाया जा रहा है तो किसका फोन उठाया जाएगा और किसकी बात सुनी जाएगी, किससे मिलते हो? इनको हटाया जाए या फिर ऐसा दंडित किया जाए कि भाई ये सब सबक सिखाया जाए कि इनसे सबसे मिले, जनता से मिले, जनता के लिए बताए, जनता के नौकर हैं ये, सेवक हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वो बाहर से आकर के मिलेंगे नहीं, अब अंदर से कैसे आ गए हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंदर मिला रहे हैं, प्रोटोकॉल ये कहता है, एक विधायिका का प्रोटोकॉल कहता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो कलेक्टर प्रोटोकॉल कहता है, जब तक वो मिलने नहीं जाएंगे हम नहीं सरकार संगठन से शिकायत करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर। सरकार और संगठन आपके माध्यम से देख रहे हैं।